अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने आपको चंद इस्तलाहात पढ़ाई थी, तो आज भी हम उन्हीं में से चंद एक पढ़ाएंगे इस्तलाहात में से ही। अमर जो है वो इस फेल को कहते हैं जिसमें किसी काम का हुक्म दिया जाए, यानी कि किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए। जैसे इजरिफ, आप मारो, इसमें मारने का हुक्म दिया जा रहा है। नहीं, उस फेल को कहते हैं जिसमें किसी काम के करने से रोका जाए। जैसे इसकी मिसाल है ला तजरीब, आप मत मारो, ठीक है, यानी इसमें किसी काम के करने से रोका जा रहा है। मिसबत फेल के होने को कहते हैं, यानी कि किसी जुमले में फेल का होना पाया जाए। जैसे ज़राबा, उसने मारा, माजी में। यजरिबू, वो मारता है, मुजारे में, ठीक है। मारने का काम इसमें किया जा रहा है, यानी मिसबत जुमला है। नफ़ी या मनफी, ये फेल के ना होने को कहते हैं, यानी कि नेगेटिव। मा ज़राबा, उसने नहीं मारा। ला यजरिबू, वो नहीं मारता, ठीक है। तो इसमें इनकार किया जा रहा है कि ये काम नहीं हुआ। फाइल, काम करने वाले को कहते हैं, यानी कि एक्टिव। मफ़ूल, जिस पर काम किया जाए। जैसे ज़राबा ज़ैदुन अमरन, जैद ने अमर को मारा। ज़राबा इसमें फेल है, ज़ैदुन फ़ाइल है और अमर मफ़ूल है। इसमें फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल तीनों पाए जा रहे हैं। फ़ेल मारूफ़, यानी कि नाउन वर्ब, वो फ़ेल जिसका करने वाला मालूम हो। जैसे ज़राबा ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा। इसमें मारने वाला मालूम है कि ज़ैद है वो। फ़ेल मजहूल, यानी कि अननाउन वर्ब, वो फ़ेल जिसका करने वाला मालूम ना हो। जैसे ज़ुरीबा अमरन, अमर मारा गया, अब किसने मारा ये मालूम नहीं है। फ़ेल लाजिम, वो फ़ेल है जो फ़कत फ़ाइल पर पूरा हो जाए। जैसे जलसा ज़ैदुन, ज़ैद बैठा, इसमें किसी मफ़ूल की ज़रूरत नहीं है। फ़ेल मुतअद्दी जो होता है, यानी कि ट्रांसिटिव वर्ब, वो फ़ेल जो फ़ाइल और मफ़ूल दोनों पर पूरा हो। जैसे ज़रबा ज़ैदुन अमरन, ज़ैद ने अमर को मारा। गायब, यानी मिसिंग, जो बात करते वक्त मौजूद ना हो, जिसे बात ना की जाए। हाजिर, प्रेजेंट, जो बात करते वक्त मौजूद हो, जिससे बात की जाए। और मुतकल्लिम, स्पोकन, यानी बात करने वाले को कहते हैं। ये तमाम चीज़ें आप अपने दिमाग में रखिएगा, तो मज़ीद आपके लिए आगे जो है ग्रामर समझने में आसानी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।